देखो भैया, अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद है, खून खराबा मार धाड़ पसंद है, अगर आपको एनिमल पसंद आई थी तो ये फिल्म आपके लिए जरूर है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चार्ट कल। देखो, ये एक मास मसाला एक्शन फिल्म है, तो इस हिसाब से अगर एनिमल 850 करोड़ कमाती है तो ये मूवी तो 1000 करोड़ आराम से कमा लेगी, क्योंकि प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है। इसके अलावा अगर आप खून खराबे में एनिमल को यहाँ रखते हैं ना, तो सालार तो इससे कहीं ऊपर है। एनिमल में तो आपको सिर्फ रणविजय अबरार का गला काटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे सालार में कहीं पर किसी का पैर फट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है। इनफैक्ट हमें यहाँ पर प्रभास तो खून में पूरे के पूरे नहाए हुए दिखाए जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में कितना ज्यादा खून खराबा होगा। अब कहानी के बारे में बात करते हैं कि इस मूवी की कहानी आखिर क्या है। इस मूवी की पूरी कहानी खानसार के साम्राज्य के ऊपर है। इस पूरे पार्ट में खानसार के साम्राज्य को बिल्डअप करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि खानसार के राजा का ही पूरे दुनिया पर कंट्रोल चलता है, जो हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला था। प्रभास और पृथ्वीराज वन मैन आर्मी होते हैं और ये सबसे लड़ रहे होते हैं। जब आपने ट्रेलर देखा था तो आपके मन में भी सवाल आया था कि भाई ये दोनों दुश्मन कैसे बन गए, ये मतलब एकदम से जज्बात कैसे बदल गए। तो इस सवाल का जवाब मैं लेकर आ चुकी हूँ, अभी आपको बताने वाली हूँ। देखो, इन दोनों की दुश्मनी का कारण कुछ और नहीं, खानसार की दुनिया है, क्योंकि यहाँ की दुनिया ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। कब कुछ क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। वहां का राजा सब कंट्रोल करके रखता है और राजा कुछ भी कर सकता है। और वही घिसी पिटी सी कहानी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि भैया एक बंदा सही के साथ खड़ा होता है, एक गलत के साथ खड़ा होता है। अब ये दोनों दोस्त होते हैं और गलत सही के चक्कर में इनकी दुश्मनी हो जाती है। तो यही रीजन आपको सालार में भी देखने को मिलेगा। तो भैया, ये पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। श्रुति हसन को ये स्टोरी देवा की माँ सुना रही होती है और कुछ आसपास के लोग भी उन्हें पूरी कहानी देवा के बारे में बता रहे होते हैं। देखो यार, ये मूवी प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और ये एक मास मसाला फिल्म है। ये हर किसी को पसंद नहीं आने वाली। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप ऑफेंड हो सकते हो। देखो यार, सालार मूवी पूरी की पूरी आपको डार्क टोन में देखने को मिलेगी। ये काली दुनिया आप ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हो। जब आपने KGF देखी थी तब आपको गोल्डन और ब्लैक दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर प्रशांत नील ने खानसार की पूरी दुनिया को डार्क तरीके से दिखाया है। नो डाउट मूवी में कुछ ऐसे एक्शन सीन है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि असल दुनिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस तरीके की जब चीजें आती है तो कई बार हंसी भी आ जाती है। कुछ जगह पर सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पर थोड़ी सी डाउन भी है। अब भैया, आदि पुरुष के बाद से ना मेरा प्रभास से विश्वास उठ चुका था, लेकिन इस मूवी के बाद वो विश्वास थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। इस मूवी में उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है और जो बाहुबली के टाइम पर हमने देखा था वो यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसके अलावा शरद केलकर की आवाज में ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। जो डायलॉग डिलीवरी है वो एक अलग ही लेवल पर जा रही है। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस भारी भरकम आवाज के साथ ये डायलॉग डिलीवर किए जा रहे हैं, थिएटर में बैठे हर बंदे के रोंगटे तो ये पक्का खड़े कर देंगे। तो भैया, अगर आपको प्रभास की साहू, राधे श्याम और आदि पुरुष याद है तो इस मूवी में उनकी एक्टिंग को देखकर आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। हमें हमारा बाहुबली वापस मिल चुका है। अब बात करें अगर पृथ्वी की एक्टिंग की, तो कई बार ऐसा होता है जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कई बार वो प्रभास को ओवरशेडो कर देते हैं। उन्होंने भी इतनी दमदार एक्टिंग की है। मैंने उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने इस रोल को अपने अंदर अडॉप्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। खानसार में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो यार, सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। पहली चीज तो ये कि भाई मूवी बहुत ज्यादा लंबी है। कई बार आपको ऐसा लगे कि भाई सीन की जरूरत ही नहीं थी, क्यों रख लिया, क्यों टाइम बढ़ा दिया मूवी का, आप बोर फील करेंगे। दूसरा ये कि भैया कुछ जगह पर आपको ओवर द टॉप एक्शन दिखाई देंगे जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको उस चीज पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भैया, ये सालार और जो डंकी का क्लैश हुआ था उसमें मुझे सालार जीतती हुई दिख रही है। उसका रीजन ये है कि पूरे साल से मास मसाला फिल्में चलती आ रही है, चाहे वो जवान हो, पठान हो, एनिमल हो, इस तरीके की फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। और जिस तरीके से डंकी ने हमें निराश किया, क्योंकि डंकी जिस तरीके की स्टोरी हमें लग रही थी वैसे निकल कर सामने नहीं आई है, तो सालार यहाँ पर बाजी मार सकती है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों मूवीज में से कौन जीतने वाला है, शाहरुख खान या फिर प्रभास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी चार्ट कल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आ गए हो तो भैया वीडियो लाइक और शेयर भी कर लेना।